खाताधारी खेत से जबरन निकाल रही है सड़क, पिता पुत्र पहुंचे कलेक्टर के पास, कार्रवाई की मांग को लेकर सपा ज्ञापन। बाड़मेर, चुतराराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी मादासर ने शनिवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन देकर बताया कि मेरा खातेदारी खेत मादासर में आया हुआ है, मेरे द्वारा 5 बीघा जमीन सड़क के लिए पहले से ही कटा रखी है, अब मेरे खेत से खातेदारी खेत से जबरन प्रधान सरपंच और PWD के अधिकारी सड़क निकाल रहे हैं सड़क का कार्य बंद रुकवाने के लिए। पिता पुत्र ने शनिवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुतराराम पद्माराम। कहाँ से आए हो? मादासर भाई तू बोप जी। कैसे आए हो यहाँ पर? यहाँ सड़क का मामला PWD और हमारा है, जबरदस्ती हो रहा है। प्रधान साहब काकड़ रेंसोड, अब सरपंच है, पूर्व सरपंच नाराम है, धर्मेंद्र बोस है, ठीक है ना, वो राजनीति से बहुत तगड़े आदमी है, मैंने कार्रवाई करवाया, मेरे जबरदस्ती से वो कार्रवाई मेरा निकवा दिया कागज। क्या हुआ, क्या मामला, क्या मामला है? रोड का है। तो क्या रोड क्या बन रही है? मैंने 5 बीघा जमीन कटवा दी, ठीक है न, ये जबरदस्ती 5 कटौन सामने छोड़ दिया और रास्ता खरतू में निकल रहा है, ये मामला है। तो क्या आपके खेत में से रास्ता निकल रहा है? रास्ता निकल रहा है, मैं रोक रहा हूँ, कल की तारीख में पुलिस साथ में थी, थोड़ा साथ में था भाई तू का, वो बोल रहा है कि तेरी कार्रवाई करना वो कर ले, कलेक्टर का आदेश है, निकलेगा यहाँ पे ही निकलेगा, तेरे करना वो कर ले। तो आपके खेत के अंदर से निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है साहब, कटौन सामने रहता और रास्ता कौन निकल रहा है? वो जबरदस्ती गाँव वाले निकाल रहे हैं, प्रधान साहब है, ये रणसोर जी काकड़ है, सरपंच है, अफसर लगे हुए उसकी औरत है, वो सरपंच है अभी प्रमुख, वो पहले के था धनाराम बेनीवाल। किससे मिलने आए आप? आप साहब से मिलने आए हम। किससे? ये साहब भाई कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब से मिलने आए। ये मेरा ज्ञापन है, ये धोखाधड़ी का मामला है, बिल्कुल धोखाधड़ी है, न्याय होना चाहिए उसमें, जो होगा वो होगा न्याय।